उत्तर प्रदेश को हम ये कहेंगे कि व्यवस्था में वो जो है दिवालिया हो गई है। दिवालिया इस तरह से हुई है कि जहां पुलिस की देखरेख में जुलूस था, जहां जिस तरह की घटना घटी, कहां से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये सब पे सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की, सिक्योरिटी की नजर थी। और ऐसे हालत में वहां से सरफराज उसके साथी को भागना और भाग के बाद दो दिन तक कहीं छुप जाना और सिक्योरिटी को और इंटेलिजेंस को खबर नहीं होना, और कल सरफराज और उसके साथी को कि नेपाल जा रहा था इसलिए हमने उसको गोली मारा, पैर में, सीने में भी लग सकता था, पीठ में भी लग सकता था और खत्म हो सकता था, लेकिन सांस को मिटाना नहीं था, बहुत सारे राज को जानना था, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग थी, क्या ये जो है सोची समझी साजिश थी, या जो है ये अकस्मात जनाक्रोश का नतीजा था, ये सब जानने के लिए सरफराज को जिंदा रहना जरूरी था। उसे पकड़ा जा सकता था और किया गया। दूसरे जो विक्टिम है उसका कहना है कि मुझे इससे न्याय नहीं मिला, गोपाल मिश्रा को न्याय मिला या नहीं मिला, ये एक अलग विषय है, लेकिन सरकार दिवालिया हुई, सिर्फ सरकार जो आनन फानन में वहां बुलडोजर, आनन फानन में एक समुदाय को सबको अरेस्ट करना, वहां पे सैकड़ों दुकानें और गाड़ियां, चल अचल संपत्ति का नुकसान होना, ये सब सरकार की निकम्मापन, सरकार की उदासीनता और नफरत की बाजार को गर्म करना कहेंगे। आज सरफराज को सच्चाई बताना होगा किस तरह से ये सारा कुछ हुआ, और वो सब जनता के बीच में, न्यायालय के बीच में आनी चाहिए। आज जिस उत्तर प्रदेश को हम उत्तम राज्य बनाने की बात करते हैं, जहां पे सभी जितने भी मुख्यमंत्री आए वो सब उत्तम राज्य बनाने की बात किया, योगी जी से बहुत सारी उम्मीदें रही कि वो एक योगी हैं, वो भोगी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी की डायरेक्शन में, किसी के इशारे पे सरकार चला रहे, वो भी अपनी सोच और सूझबूझ से नहीं, बल्कि किसी न किसी के डायरेक्शन में चल रहा, बल्कि यूं कहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकार सभी डॉन, बदमाशों और गैंगस्टरों के इशारों पे चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? और अगर ऐसा रहा तो हमारा राज्य और हमारा देश जो है विघंटित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, संसार हो जाएगा, और हम विश्व गुरु नहीं। तो भागने की कोशिश करेंगे तो फिर गोली नहीं मारेंगे? देखिए, भागने की कोशिश किया या भगाया गया ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जो गलत किया है उसका सजा मिलनी चाहिए। आप उसको पकड़ सकते हैं, उनको कानूनी सजा दे सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी को मार देना, आज आपने पैर में मारा, कल सीने में मार देंगे, तो इस तरह से इनकाउंटर करना ये कानूनन जुर्म है और कानून के नजर में ये जो है निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है वो भी संदेहास्पद है, और उस हालत में एक जो 9 सीटों पर वहां पे उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो सभी पार्टियां चुनाव की नजर से देख रही है कि इस तरह की जो हरकतें, इस तरह की जो नफरत जो है वो कहीं चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए तो नहीं हो रहा। एक जात, एक दूसरे जात, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाने का ये साजिश तो नहीं है? तो ये सब जांच का विषय है, जांच करके जो आएगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन जो कुछ भी, जिस तरह से भी ये घटना घट रही है और जिस पे प्रशासन जिस हिसाब से काम कर रही है वो निंदनीय है। अखिलेश जी एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो सारा वक्तव्य देंगे, मीडिया भी उन्हें की दिखाएगी, लेकिन सच्चाई जो है कि वहाँ पे जो है एक धर्म को जो है ठेस पहुँचाने के लिए गलत गाना बजाया गया, तेज बजाया गया, उस पे जो है आक्रोश हुआ और आक्रोश में आगे बढ़ा, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वहां रोकी क्यों नहीं? पुलिस उनको पकड़ा क्यों नहीं?
उनको भागने क्यों दिया, क्यों ऐसा हुआ, तो ये सारी जांच का विषय है। अब अखिलेश जी अपना राजनीतिक की रोटी सेक रहे हैं, इसी तरह से बाकी लोग भी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। हम लोग मानवतावादी हैं, हम चाहेंगे कि अमन और शांति हो, हम चाहेंगे कि ये नफरत का बीज, ये नफरत की खेती ना हो, और इसके लिए योगी जी जो है वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो उसी आधार से देखे कि किसी को भी नुकसान ना हो, किसी को भी जो है एक तरफा एक नफरत की राजनीति न हो कि हिंदू को बचाना है, मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को बचाना है, हिंदू को मारना है, ऐसी नीति ना हो। उनकी राज करने का सुशासन का नीति होनी चाहिए, और उसके लिए दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब इसकी सही जांच और सही जो है उसका रिपोर्ट सामने आए। जर्नलिस्ट महोदय, शायद आपको नहीं पता कि अदालत की जो एक स्टैचू था जिसपे एक लड़की के आंख पे पट्टी बांधा होता था, अब वो पट्टी हटा दिया गया, यानी कि अदालत देख रही है कि कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ कहाँ पे रेप हो रहा है, कहाँ कहाँ पे व्यभिचार हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, वो देख रही है। लेकिन वो देख रही है, अब कान से जो है अदालत बहरा हो गई, अब वो सुनती नहीं है। वो कह रही दिख तो रहा है लेकिन सुनने में आए क्या, वो कुछ नहीं, वो सुन नहीं रही है। तो अब अदालत जो है, पहले तो अंधी थी, कानून अंधा कहलाता था, अब कानून जो है बहरा हो गया है, हाथ से तलवार हटा दिया गया है, वह संगूर की छड़ी रख दिया गया है, तराजू थे ना, तराजू तो है लेकिन हाथ में तलवार था वो हटा दिया गया है, वहां पे एक छड़ी दे दिया गया है। तो वो जो है वो एक था कि हम सजा देंगे, लेकिन अब कहा कि जब मुझने सुना ही नहीं तो मैं सजा किसको दूंगा, अब तो इस ये जो डंडा है इससे बांसुरी बजाओ और मजे करो। तो अब जो है कानून लोगों के लिए बहुत दूर की कौड़ी हो गया है, समझने का फेर है। कानून अब जनता का, एक जनसाधारण का, एक गरीब का, एक दलित का, एक शोषित का, एक ओबीसी का नहीं, बल्कि ये सम्भ्रांत परिवार का कानून रह गया है, जो अपनी मर्जी से लिखता है। और कानून कहता है, न्यायपालिका कहेगा कि मैंने तो कुछ सुना नहीं, बस देखा और देख रहा हूं। तो टकटकी कर करके बंदर, तीन बंदर गांधी जी के थे, एक आंख में पट्टी था, एक जो है कान बांध रोक रखा था कि मुझे सुनाई नहीं दिया, और एक कहा मुंह पे हाथ था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा बुरा। लेकिन अब न्यायपालिका बोलती है, न्यायपालिका देखती है लेकिन सुनती नहीं है, तो कानून अब बहरा हो गया है। और ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, वहां कहीं भी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है।